हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और एक अच्छी इवनिंग के साथ इस वक्त 4:45 हो रहे हैं और मैं अभी ये घूमने निकल रहा हूँ, तो धूप भी लगी हुई है, कड़क की धूप लगी हुई है। तो अब इधर हवा भी चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, शुद्ध हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है एकदम। बाय गॉड, अगर 10 मिनट के लिए इन पेड़ों के नीचे अगर कोई रिलैक्स होके बैठ है तो बाय गॉड, कसम से यार, जन्नत है। एसी पूरी फेल है, वाओ कितनी शानदार हवा चल रही है। तो भाई लोगों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम जंगल जंगल हमारे लिए क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जंगल हमारे लिए एक ऑक्सीजन का होता है, एक ज़िंदगी होती है, जंगल ज़िंदगी होती है। और इस ज़िंदगी को हमें नष्ट नहीं करना है, हमें इस ज़िंदगी को बचाना है। कई लोग ऐसे होते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, ये कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि जंगल जब सही रहेंगे तभी हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छा वातावरण होगा और एकदम बढ़िया होगा। तो ये देख लो, आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसे ये पेड़ हवा में लहरा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो, बहुत ही अच्छा, एक शानदार एक फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड हमसे नहीं है, हम उत्तराखंड से हैं बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जंगल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, किसी चीज़ को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके अथॉर्ट में हमें पेड़ लगाने चाहिए। वो इसलिए ताकि अब देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी आ रखी है तो क्या होगा बताइए, आप लोग समझ सकते हो? इतनी ज़्यादा गर्मी में इतना प्रेशर हाई हो रहा है, गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है कि भाई साहब क्या बताऊँ, ज़िंदगी झंड है। परंतु अगर हम इन चीज़ों को अगर साइड में रखकर सोचते हैं तो बहुत अच्छा हमारा, बहुत अच्छी हमारी सोच होती है जो हम जंगल के बारे में सोच रहे हैं। तो यही है, यही कारण है दोस्तों, हमें जंगलों को बचाना चाहिए, आग लगाने से बचाना चाहिए, ताकि जंगल नष्ट ना हो, हम लोगों को कष्ट ना हो। आपको वाटर होल लेके चलता हूँ, तो अभी चलते हैं वहीं पे, यही रास्ता मैंने पकड़ रखा है। ये देखिए साथियों, हमारा वाटर होल आ गया है और यहाँ पर एक पेड़ भी गिरा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो। तो बिल्कुल हवे से ही गिरा हुआ है, हवे से टूट रखा है ये पेड़, इसमें कुछ कोई वो नहीं है, ये पेड़ हवे से टूटा हुआ है, सूखा हुआ पेड़ था, हवे ने इसको नीचे गिरा दिया। और ये देखिए हमारा ये वाटर होल है, अभी सूख गया है, इसमें पानी हमने डाला था, सूख गया, अभी हफ्ते भर हो गए, अब कल इसमें नया टैंक आएगा, नया टैंक इसमें पानी डालेगा। और दोस्तों सबसे खास बात यह है, देखो यहाँ की जगह कितनी अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल, सो एकदम अच्छा लग रहा है मुझे तो इस जंगल में कि हम उत्तराखंड से हैं, इन जंगलों में हम पले बड़े हुए हैं। तो अब मेन बात यह है दोस्तों, हमें अपने जंगल को काटना नहीं चाहिए, इसे बचाना चाहिए, हमें इतनी शुद्ध हवा मिल रही है। मैं अभी यहाँ घूम रहा हूँ भाई साहब, इतनी कड़क धूप है कि आपको क्या बताऊँ, पर लेकिन मुझे धूप बिल्कुल नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत लग रही है, बाकी हवा का कमाल है और कुदरत ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है जंगल, वाह। हम इसे नष्ट क्यों करें, ना ही हम किसी को इसे नष्ट करने देंगे, ताकि इन जंगलों से हमें हवा पानी हर चीज़ प्राप्त होता है, हर चीज़ के सुख हम इन जंगलों से लेते हैं, हर चीज़ हमें इन जंगलों से मिलती है। तो क्यों ना हम इस जंगल को बचाएं, इनको गिरने ना दें, टूटने ना दें। तो मक्खियाँ बहुत लग रही है यार, इसलिए आप ये देखिए, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि मैं और मेरा साथी जंगल में थे, हम दोनों के दोनों, तो हम जंगल घूम के आए,
बड़ा अच्छा लगा। रोज डेली हम जाते हैं। और बाय गॉड आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ की जो घूमने का जो अंदाज़ है वो सुबह मॉर्निंग का है। मॉर्निंग का अंदाज़ बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे घूमने लायक। और शाम को भी 6 बजे के बाद, एक्चुअली 6 बजे के बाद तो वीडियोस बनते हैं नहीं, तो पहले ही, तो इससे अच्छा कोई माहौल नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इस जंगल में जो है, ये जंगल बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, राजा जी टाइगर क्षेत्र है, और यहाँ टाइगर आते रहते हैं, यहाँ हर चीज़ पाई जाती है। ये देखो दोस्तों, तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे जो आपको आने वाली वीडियोस आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।